गैसलेटर सब्सिडी योजना को लेकर राजस्थान के 33 जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में जयपुर के रास्ता इंटरनेशनल सेंटर में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गहलोत सरकार 76 लाख उपभोक्ताओं को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। यहाँ उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री साथी प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी जी, ममता भूपेश जी, विधायक गोपाल मीणा जी, अमीन कागजी जी, रफीकांत साहब, अमित चाचा, मेयर साहिबा मुनीत गुजर, आदरणीय विधायक गंगा देवी जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अभय कुमार जी, कुलदीप नाका जी और तमाम या हमारे विभिन्न कंपनियों के जो गैस कंपनी है उनके अधिकारी भी आए हैं और गैस एजेंसियों के ओनर भी आए हैं। मुझे खुशी है कि उनकी प्रेजेंस के अंदर ये आज प्रोग्राम हो रहा है और उपस्थित तमाम हमारे भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जब मैंने अनाउंस की थी हमारा खेड़ा के अंदर अलवर में, तो किसी को विश्वास हुआ, किसी को प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि मुझे याद है पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब एक बार महंगाई का दौर चला था, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त में कोशिश की गई कि पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम हो। हमारे उस वक्त में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने तमाम मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जो कांग्रेस के थे कि आप सबको आगे आके महंगाई का दौर है, दरें कम करनी चाहिए। अधिकांश राज्यों ने पेट्रोल की कर दी, डीजल की कर दी और 25 रुपए का उन्होंने शायद कहा था, 25 से 50 में भूल गया हूँ, वो मामूली 25 रुपए किसे कहते हैं, वो कम करने की बात थी। उसका ही भार आ रहा था कोई 100-125 करोड़ रुपए, वो मैंने घोषणा कर दी राजस्थान के अंदर। मेरे पास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के फोन आए कि हमारा मंत्रिमंडल के लोग तो स्वीकार कर नहीं रहे कि कैसे हम कर पाएंगे, बहुत बड़ा भार पड़ेगा हमारे ऊपर, तो पेट्रोल के कर देंगे, डीजल कर देंगे, गैस के नहीं करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि राजस्थान सरकार हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर प्रोग्रेस रही है, इसलिए हमने कुछ जमाने भी गैस के कम किए थे। इस बार सीधा 1140 रुपए से सिर्फ 500 रुपए कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। स्कीम भारत सरकार की ये उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उन्होंने शुरू करी है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना चालू करी। 400 रुपए गैस सिलेंडर बढ़ते 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 बढ़ 1140 का हो गया, तो आप बताइए इतना महंगा सिलेंडर वो गरीब परिवार कैसे खरीद सकते हैं। इसकी उनकी है, यही फर्क है बीजेपी के अंदर कांग्रेस के अंदर, हम उन्हीं स्कीमों को बंद नहीं करते हैं। ये उदाहरण है उज्ज्वला का, तो उनकी स्कीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं और वो जब सरकार में आते हैं तो हमारी रिफाइनरी बंद कर दी। रिफाइनरी आजादी के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा राजस्थान के अंदर, उसको 5 साल बंद रखा, वो 38,000 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, आज वो जो है 72,000 करोड़ की प्रोजेक्ट बन गई। बताइए आप कितना बड़ा नुकसान हुआ रहा जनता को। काम की रुकना नहीं चाहिए। वसुंधरा जी ने शुरू करी GRCP, 13 जिले की योजना पीने के पानी की, उसमें जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है, करौली, माधोपुर, भरतपुर, अलवर, माधव टोंक सब आते हैं उसके अंदर।
उनकी योजना है, सरकार बदल गई, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग चलती रही उस जमाने से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने वादे किए जयपुर में अजमेर में कि मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण देखूंगा। 15-13 जिलों के नाम बोले वो खुद, चुनाव हारे थे। अब आप बताइए, अभी प्रधानमंत्री जी आए अजमेर में, मुझे उम्मीद थी कि वो घोषणा करेंगे, नहीं करेंगे। रांची परियोजना बन जाती है तो 2-3 साल में काम पूरा हो सकता है, जनता को लाभ मिल सकता है, पीने के पानी मिल सकता है। हम लोगों ने 13,000 करोड़ फीस रखे हैं, योजना को बंद नहीं कर रहे, आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के जलदाय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी, हमारी कैबिनेट मिनिस्टर सोशल वेलफेयर आदरणीय ममता भूपेश जी, हमारे विधायक गोपाल मीणा जी, हमारे किशनपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमनीत कार्तिक साहब, हमारी मेयर मुनेश जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, हमारे ACS इस डिपार्टमेंट के आदरणीय श्री अभय कुमार सिंह जी, आदरणीय कुलदीप राकाश साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय गौरव जी, शशि जी, लोकेश जी, सभी सम्माननीय अधिकारीगण, और सामने उपस्थित LPG एसोसिएशन के लोग खड़े हैं। मैं माफी चाहता हूँ, जगह कम है पर दिल में जगह बहुत बड़ी है, चिंता मत कर। आज सुबह मुझे अभी बाहर प्रेस के लोगों ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं गहलोत साहब रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी मीठी है तो सब खाएंगे ही, क्या नुकसान है आप बताओ। जब रेवड़ी में दम हो, रेवड़ी मीठी हो, महंगाई खत्म करने वाली हो, गैस का चूल्हा जलाने वाली हो, और जिस सिलेंडर पे बकरी बंधी हुई थी उस सिलेंडर को काम में लेने वाली हो, तो लोग अशोक गहलोत की जिंदाबाद भी लगाएंगे और खाएंगे भी। अब मुझे बीजेपी वाले ये बता दे, एक काम कंपटीशन अब शुरू हो गया। पहली बार मुख्यमंत्री जी आपने एक बड़ा काम कर दिया देश। कर्नाटक का इलेक्शन हो रहा था, मुख्यमंत्री जी कर्नाटक गए, अपनी योजनाएं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, तो पूरे देश में कंपटीशन हो गया बीजेपी के राज्यों में भी कि भाई OPS लागू कर दो, अब विरोध कैसे करें। और आपने शुरुआत कर दी तो अजमेर में जब प्रधानमंत्री जी आए तो पॉजिटिवली, इससे पहले चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों एक मंच पर थे, तब चीफ मिनिस्टर ने यह कहा प्राइम मिनिस्टर से कि आपको हमारी जो सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम है वो स्कीम पूरे देश में लागू करनी चाहिए। क्या स्कीम है वो? वो स्कीम है बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, जो मिनिमम 1,000 रुपए अशोक गहलोत जी ने कर दी, वो अभी लागू नहीं की है। कोई लड़ाई नहीं है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, वो जब पिछली बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तब लागू की थी 1 करोड़ लोगों को पेंशन की योजना। चुनाव तो अब हो रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव को आधार बना के नहीं की गई, लेकिन आप भी तय कर लेना, ये जो इन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं उनको तो पाप लगेगा, ये तय है। राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ लोगों ने पंजीकरण करा लिया, मतलब लगभग 6 करोड़ लोग महंगाई राहत कैंप में पहुंच गए, कार्ड बनवा लिया और कांग्रेस की सरकार को हाथ जोड़ के धन्यवाद दे दिया। महंगाई के इस भयंकर दौर के अंदर इस प्रकार के हम लोग बचत की बात करें, बचत की राहत की बढ़त की बात करें, वो हमारी थीम है बजट के अंदर। इसीलिए हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि किस प्रकार राहत मिले। अभी आप देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, महिला को देखी 500 रुपये में चरण मिलता हम लोग, वरना जैसे ही गैस में खत्म होता और बच्चा ने हमें चिंता नहीं थी पैसे कहाँ लाएंगे, तो बहुत बड़ी राहत हम लोग के लिए है। और ये प्रयास हमारे जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार के उन तक पहुँचाए सिक्योरिटी का ही प्रभाव। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी है,
राइट टू हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी दो कानून पास करे देशवासियों के लिए कानून पास करे। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु तब बनोगे तब आप समझे वो जो आवश्यकता है आम परिवार की, गरीबों की, उनको कम से कम सिक्योरिटी मिले, लाइफ सोशल सिक्योरिटी मिले, तब विश्व गुरु बनने की तब आगे बढ़ सकते हैं, वरना खाली बातें हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी रोड बोल रहा हूँ मीटिंगों के अंदर, उनको ढंग से अगर डेटा उपलब्ध करा दे तो हम ढंग से सबको बांट पाते, डीबीटी कर पाते। अब हम दुकानदार ले रहे हैं, कंपनियों से ले रहे हैं, रिश्तेदार से हम कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। जो रजिस्ट्री करवाएगा उन सबको उसका लाभ मिल जाएगा। सीबीआई इनकम तड़प रही है रास्ता को घुसने के लिए, अच्छी बात है, पर एक एसीबी ने जो पकड़ा है आरपीएससी के नाम पर, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपने पोसेस को भाई क्यों रास्ता में भेज रहे हो, वहाँ की एंटी क्राइम ब्यूरो इतनी मजबूत है।